चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप एमएस पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप किस किस प्रकार का डेटा डाल सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। उसके अंदर आपका ऑडियो भी आ जाएंगे, वीडियो भी आ जाएंगे और टेक्स्ट फाइल्स भी आ जाएंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन से फॉन्ट इफेक्ट पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। जब आप यहां से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलेंगे आपके एमएस पावर पॉइंट का, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है एम्बोस। एम्बोस का मतलब होता है उभरा हुआ, तो ये इफेक्ट हमारे पास पावर पॉइंट में नहीं होता है। इसके अलावा आपको अंडरलाइन, स्मॉल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू वगैरह ये सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में कुल स्लाइडों की संख्या प्रदर्शित होती है कहां पर। अगर आपको देखना है कि टोटल आपने कितनी स्लाइड्स डाल दी हैं, तो वो आपको पता पड़ेगा कहां से, स्टेटस बार से। स्टेटस बार का यूज यही है, स्लाइड्स कितनी यूज हो चुकी हैं, कितनी इंसर्ट की है, कौन सी पे काम कर रहे हैं, कौन सा व्यू अभी ओपन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एम। दो चीज होती है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एम। और एक क्वेश्चन है, अगर आपको नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। स्लाइड लेआउट पैनल में बाय डिफॉल्ट कितने लेआउट होते हैं, इसका आंसर है आपका 9। बाय डिफॉल्ट आपके 9 तरह के लेआउट मिलते हैं आपको एमएस पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, फिर बोल रहा है, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सही है। पहला बोल रहा है, कंट्रोल प्लस के कुंजी दबाकर आप स्लाइड में हाइपरलिंक डाल सकते हैं, ये सही है। आरंभ से स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए कौन सी की यूज में आती है, F5। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रदर्शित करने हेतु भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है, एक आइकन होता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे कि सेव, अंडू और रीडू होते हैं, ये कमांड, ये आइकन आपको कहां पे मिलेगा या क्या बोलते हैं इसको, तो इसका आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आप देखेंगे इस तरफ, ये कहलाती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। इसके ऊपर आपको सेव, अंडू और रीडू ये सारे के सारे कमांड्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है, टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो किस टैब में मिलेंगे आपको, तो इसका आंसर है आपका रिव्यू। रिव्यू टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन ही होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। ठीक है, फिर बोल रहा है, किस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड में विशेष प्रभाव देने के लिए किया जाता है, इसका आंसर है ट्रांजिशन। और इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, एक बोल रहा है स्लाइड में विशेष प्रभाव डालना है, तो इसका आंसर है ट्रांजिशन। और आपको अगर बोला जाए कि आपको स्लाइड पर उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट में विशेष प्रभाव डालना है, तो उसका आंसर होगा एनिमेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन है इसमें से, क्वेश्चन में से बनने जैसे। फिर बोल रहा है, एक फाइल प्रेजेंटेशन जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती हैं, मतलब पहले से बनी हुई आपको कुछ डिजाइन वगैरह मिल जाती हैं, वो कहलाते हैं आपके टेम्पलेट्स। वर्ड में भी होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं, पावर पॉइंट में भी होते हैं, इनमें पहले से डिजाइन होती हैं, बैकग्राउंड वगैरह सेट किया होता है, आपको सिर्फ ओपन करना होता है उसको और अपना काम कर सकते हैं आप। फिर बोल रहा है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी पावर पॉइंट में स्लाइड्स हैं वो सब एक जैसी हो जाएं, तो उसके लिए आप डिजाइन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड लेआउट से आप एक एक स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा दिखाई देगा, इसके अलावा कोई भी ग्राफिक्स वगैरह जो रहते हैं वो सारे छुप जाते हैं। और एनिमेशन इफेक्ट है आपके जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लगाने के काम में आता है। डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है, तो सभी स्लाइड्स को हटा सकते हैं या चालू या पहले स्लाइड को या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है चालू स्लाइड। चालू मींस सिलेक्टेड, जैसे मान लीजिए आपके टोटल 5 स्लाइड है और 5 में से आपने अभी तीसरी स्लाइड खोल रखी है, अब उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की दबाएंगे तो आपकी तीसरी स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चालू का मतलब है करंट स्लाइड जो आपने अभी सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है,
स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी की काम में आती है? तो सिर्फ एक और एक की है, एस्केप की। सिर्फ इसी की को दबाने से आप अपनी स्लाइड शो को बीच में रोक सकते हैं। इसके अलावा एंटर, स्पेस बार, टैब, कोई सी भी की दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो आगे ही भागेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मूव करता जाएगा। बस एस्केप दबाते ही वो जहां पर है वहीं के वहीं रुक करके वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे आप। ठीक है, स्लाइड शो जो होता है वो फुल स्क्रीन चलेगा, आपने एस्केप दबाया तो नॉर्मल व्यू से आप नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको अभी नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तीनों तरीके आप यूज कर सकते हैं नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। चाहे तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज कर लें, चाहे तो आप डिजाइन टेम्पलेट्स का यूज कर लें, या फिर आपने कोई पहले से प्रेजेंटेशन बना रखी है उसको ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इमेज की दिशाओं को बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? अब इसका आंसर है ए और बी दोनों। क्या है, अगर आपको आपकी जो क्लिप आर्ट है उसकी पोजीशन बोलने या डायरेक्शन चेंज करनी है तो रोटेट करेंगे तो वो जैसे सीधा है तो राइट साइड को झुक जाएगा या लेफ्ट को झुक जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, और फ्लिप का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना। डायरेक्शन मीन्स जैसे मान लीजिए आपका अभी मुंह नॉर्थ की तरफ है, अगर आपने उसको फ्लिप करा तो वो साउथ की तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, इस टाइप से, मतलब उल्टा घुमाना। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक स्लाइड शो के दौरान स्लाइड चेंज होने पर प्रदर्शित इफेक्ट कहलाता है। अगर आप स्लाइड शो चला रहे हैं और आप देख रहे हैं उसमें कुछ एनिमेशन स्टाइल्स वगैरह आ रही हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वापस आया है, ध्यान रखें। स्लाइड ट्रांजिशन वो इफेक्ट होते हैं जब आप स्लाइड शो मूव करते हैं, स्लाइड शो चलाते हैं तो जो स्लाइड्स मूव होती हैं उनको कहलाता है, कहते हैं अपन स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, फिर बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, सही बात है। पावर पॉइंट में प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में विभाजित होती है, सही बात है। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कुंजी का यूज किया जाता है, ये भी सही है। और लास्ट है, स्लाइड को अधिकतम 500% तक जूम किया सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो आपकी स्लाइड होती है उसको मैक्सिमम आप 400% ही जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत जूम किया सकता है? तो इसका आंसर है 400% तक ही आप उसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रत्येक स्लाइड का आपको टाइम सेट करना है, उसके लिए कौन सी कमांड काम में आएगी? इसका आंसर है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग से आप अपनी जो भी स्लाइड्स हैं उनमें टाइमिंग लगा सकते हैं, जिससे वो कब रोटेट कब मूव करेंगी, कब उनमें एनिमेशन होगा, ये सारा डिसाइड कर सकते हैं आप रिहर्स टाइमिंग के द्वारा। और एक बार आपने टाइम लगा दिया तो अगली बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्लाइड्स अपने आप मूव करती जाएगी रिहर्स टाइमिंग से। ठीक है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका जो स्रोत फाइल है वो चेंज नहीं हो सकती है। अगर आपने कोई मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट की है आपके क्लिप आर्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, आपने अगर मान लीजिए उसको क्लिप आर्ट या पिक्चर जो भी आपने यूज करी है उसको आपने पावर पॉइंट में कुछ फॉर्मेटिंग करी, जैसे कलर चेंज करा या साइज बड़ा छोटा किया कुछ भी, तो इसका प्रभाव जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है जहां से आपने उसको इंसर्ट किया था वहां पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो पावर पॉइंट में ही चेंज हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर बोल रहा है इस कमांड के द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रांजिशन या एनिमेशन इफेक्ट लगाया है, आपको चेक करना है वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए अपने पास में ऑप्शन होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का यूज करके आप जो भी आपका ट्रांजिशन एनिमेशन है उसको हाथों हाथ देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। वैसे ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है, आपको कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाता है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। फिर बोल रहा है पावर पॉइंट 2010 में कौन सा रिबन टैब नहीं होता है? तो इसका आंसर है आपका टूल्स। पावर पॉइंट के अंदर ये टूल्स टैब नहीं होता है, इसके अलावा सारे होते हैं, डिजाइन भी होता है, एनिमेशन भी होता है और स्लाइड शो भी होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस व्यू में खुलता है? मान लीजिए आपने एमएस पावर पॉइंट अभी ओपन ही किया है तो उसका आपका जो व्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है आपका नॉर्मल व्यू। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपकी जो स्लाइड ओपन होगी वो हमेशा नॉर्मल व्यू में होगी। ठीक है, और स्लाइड शो चलाएंगे तो वो फुल स्क्रीन चलेगी, और स्लाइड शॉर्टर में क्या करेगा, वो छोटे छोटे आइकन्स के रूप में आपकी स्लाइड शो कर देगा पूरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है,
फिर बोलते हैं पावर पॉइंट में आप जब कुंजी का उपयोग करके नई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वह किस पर आधारित होती है, उसका आंसर है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जब भी आप पावर पॉइंट में नई एनिमेशन खोलेंगे तो हमेशा ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही काम करेगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से बनी हुई, अगर आपने पहले से कोई सेव कर रखी है उसको ओपन करेंगे तो वो कंट्रोल एन से नहीं होगा, अपन बात कर रहे हैं कंट्रोल एन की से, तो इसका आंसर है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फिर बोल रहा है एमएस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है, तो इसका आंसर है स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगाते हैं तो वो कहलाता है आइटम को मूव करना, इसको बोलते हैं मोशन पाथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, अब इसका आंसर है लैंडस्केप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आपसे पूछ लिया है इसने कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है, और आपके वर्ड और एक्सेल में दोनों में वो पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिए आने जैसा है, आता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट में प्रथम स्लाइड पर आने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे। मान लीजिए आप अभी 10th स्लाइड पे हैं और आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे जंप करना है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल के साथ में होम की, आपके कीबोर्ड पे होगी, मिल जाएगी आपको ये, कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे तो आप किसी भी स्लाइड पे हो फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड नंबर 4 पे जाना है, उसके लिए कौन सी की दबाएंगे, तो इसका आंसर है 4 दबा करके आप एंटर दबा दीजिए। तो जो भी स्लाइड पर वो मूव करना है वो नंबर दबा के एंटर दबा दीजिए, आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा है डैश टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, कौन से टैब में आपको बेसिक फॉर्मेटिंग टूल मिलेंगे, तो इसका आंसर है होम टैब। ये देख रहे हैं आप होम टैब, ये बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स ही कहलाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना, ये सारे काम। ठीक है, इसका आंसर है आपका होम। फिर बोल रहा है किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग की जा सकती है, अगर आपको स्लाइड में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप किस टैब का यूज करेंगे, तो इसका आंसर है आपका नॉर्मल टैब, नॉर्मल व्यू। सिर्फ यही व्यू है जो आपको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह की कंडीशन अप्लाई करने देता है, वरना और मास्टर में, स्लाइड सॉर्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है,